मैंने सुना है, मैंने देखा है, इसमें बहुत A1 क्वालिटी लगी है हर चीज तरह से। किसी को कुछ प्रोडक्ट खाने का नहीं बेचना, कुछ नहीं करना है, और किसी को ग्रुप बनाओ नहीं बनाओ, नेटवर्क बनाओ ना बनाओ, लेकिन अपनी ट्रेंडिंग है यहाँ पर। सबसे बेहतरीन चीज ये है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फर्स्ट टाइम मीटिंग में आए हैं विकास भाई, मीटिंग को एंजॉय कीजिए। जस्ट अभी मिराज भाई मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, वो जो बताते हैं उनको देखिए, और जो आपके कुछ डाउट रहते हैं ना, आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं या अपने वैसे याद रख सकते हैं कि आपको क्या कुछ समझ में नहीं आया। मीटिंग के बाद जिनको आपने जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे पूछिए कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आया। जी 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 जी, उनसे भी क्लियर कीजिए, उनसे क्लियर नहीं होता तो नेक्स्ट मीटिंग में हम हैं। जी 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 सर, मीटिंग को एंजॉय कीजिए और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, और जस्ट मीटिंग को थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करेंगे डेली। तो जी मिराज भाई, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा वॉइस आ रहा है? क्लियर क्लियर। हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मिराज। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, तो अभी लोग बहुत कम, 169 से अभी आए हैं। जी आप मीटिंग को थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया ना मिराज भाई, आ जाएंगे। अच्छा, तो टाइमिंग मतलब यही है, थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करके और 9:30 बजे क्लाइंट प्रेजेंट और फिर आधा घंटा 10 बजे शेयरिंग। ओके ओके, ठीक है, डन है। एक अभी मैं लाइव देख रहा हूँ, कोई मुजफ्फर AR खान साहब है, सर से बात करो जरा। मुजफ्फर AR खान सर, अपना माइक अनम्यूट करके एक बार बात करें, मैंने आपको परमिशन दिया माइक अनम्यूट करने का। मुजफ्फर AR खान साहब। हाँ साहब, कैसे हैं जनाब? ठीक है। कहाँ से आप हैं? मंदसौर। मंदसौर? हाँ। क्या एज होगी आपकी? मेरी करीबन 76। 76। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग कब से कर रहे हैं? ये बहुत टाइम से कर रहा हूँ, सब तरफ से घाटे गए, अब इसमें आके इसमें चालू हो गया हूँ मैं। कितना टाइम लगभग फिर भी? 5-6 साल। अच्छा, चलिए बेहतर। तो मैं बस वही देख रहा था कि काफी बुजुर्ग अभी यहाँ, शायद इस पूरी मीटिंग में सबसे ज्यादा एजेड आप भी हैं। तो मैंने कहा ऐसे लोगों से तो बात करनी चाहिए, बड़े लोगों के साथ बैठ के उनसे कुछ सीखने को समझने को मिलता है। कभी कुछ ज्ञान अगर लगे ऐसा जो आप हमें दे सके तो प्लीज जरूर दीजिएगा। क्योंकि मेरे याद है, मैं एक बार अनिल भाई, एक मीटिंग थी किसी कंपनी की, उस कंपनी की मीटिंग में गया, मेरे को एक मतलब वहां पे पर्सन मिले, बहुत बुजुर्ग थे, बिलीव के 90 ईयर्स उनकी एज थी, और वो इस सिस्टम में काम कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग में। तो वो चीज देख के अंदर से वो आता है ना अपने आप के, मतलब इतने बुजुर्ग लोग भी साथ में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो एक अलग ही लेवल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, अच्छा लग रहा है आपको, अब मैं मीटिंग में देखता हूँ अक्सर, अक्सर आप लेटे रहते हैं, आज आप बैठ के मीटिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। थैंक यू सो मच। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार, कंफर्म करना अनिल भाई स्क्रीन क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, अभी स्क्रीन, हाँ अब आया, क्लियर क्लियर आ गया ना। बिल्कुल अच्छा लगा यार, सात लोग जुड़ गए हैं। खान साहब बुजुर्ग, 70 साल जिनकी उम्र है और अपने साथ मीटिंग में है, तो काफी अच्छा प्राउड फील होता है। मैं काफी दिन से देख रहा हूँ सर को कि सर मीटिंग में रहते हैं अक्सर, पर कभी मैंने बोलते बात करते नहीं देखा, तो मैंने क्या सर से बात करी जाए। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर हम आज फिर से जूम मीटिंग में कलेक्ट हुए हैं, रीजन एक ही है, सिंपल अर्निंग और सेफ हैंड से अर्निंग, और उसके साथ साथ यहाँ पर ऐसी एक सिक्योरिटी जिससे कि आप एक ट्रस्ट के साथ किसी कंपनी के साथ जुड़े हों, और जुड़ने के साथ साथ वहां पर उससे पैसा भी कमा रहे हो। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी सर से मैं बात कर रहा था, बता रहे थे कि बहुत सारी जगह पैसा गवाया है, ये एक पहला सिस्टम ऐसा है जहां से पैसा कमा रहा हूं। तो यही पावर है, यही एक ऐसी चीज है जो हम सबको एक साथ कलेक्ट कर रही है, और यही कनेक्टिविटी आज हमें इस जूम मीटिंग में बिठा के रखी हुई है। हम कोई भी प्रोजेक्ट देख लें, कोई भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, हमें मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स के अंदर मिलेगा आपको रोटेशन। रोटेशन मतलब इधर से पैसा लेना और इधर बांटना, और बाद में जब बांटने का सिस्टम ज्यादा हो जाए और पैसे लेने का सिस्टम कम हो जाए तो जनरली कंपनीज बंद हो जाती हैं। बट इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो सब लाइव है, जनरेशन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जनरेशन है, और जनरेशन जो है वो आपके फोन में, आपके हाथ में, आपके सामने है,
वो सब आप हर सेकंड, हर मिनट, हर पल चेक कर सकते हैं। अब रियल जनरेशन है तो यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉमिस भी नहीं होगा कि आपको कंफर्म इतना परसेंट प्रॉफिट आएगा ही आएगा। यहाँ पर आपको एक चीज मिलती है, सेटिस्फेक्शन, कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हो जो कभी जिंदगी में बंद नहीं होने वाला, जिसमें ना कंपनी घाटे में है, ना इन्वेस्टर घाटे में है, और ना ही वर्किंग करते हैं जो प्रमोशंस करते हैं, जो एफिलेट करते हैं, वो घाटे में है। तो ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हर कोई जुड़ना चाहेगा, कनेक्शन बनाना चाहेगा और काम करना चाहेगा, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत कम मार्केट में होते हैं जो सीरियसली जनरेशन पे काम करते हैं। जनरेशन मतलब पैसा आपका लगा है और उस पैसे से पैसा कमाया जाए। तो यहाँ पर आज इस प्रोजेक्ट में, आज इस जूम मीटिंग में आप यही देखने, सुनने और समझने वाले हैं। तो अपना कीमती वक्त जो आपने इस मीटिंग के लिए निकाला है उसको बहुत संभाल के आपको इस्तेमाल करना है और इस मीटिंग में पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाना है, ताकि यहाँ पर जो बताई हुई बात है, बताया हुआ प्रोजेक्ट है, जो भी स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, वो अगर आपकी समझ आ जाएगा तो डेफिनेटली आपको ये डिसीजन लेना आसान होगा कि हम इस सिस्टम से क्यों जुड़े और इस सिस्टम से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, राइट? तो यहाँ पर अपना जो भी नए लोग जुड़े हैं आज हमारे साथ, वो स्पेशली बहुत ध्यान से इस मीटिंग में हमारे साथ बैठें और कोशिश करें कि टाइम से बिल्कुल आने की स्टार्टअप करें, क्योंकि अभी जो प्रेजेंटेशन है वो बस स्टार्ट हो जाया करेगा। अभी हम काउंटिंग नहीं करेंगे कि 400 लोग होंगे तो मीटिंग स्टार्ट करेंगे, हम टाइम से मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जितने भी लोग अभी लेट आए हैं, कोशिश करें कि फिर से टाइम से आना शुरू करें, क्योंकि धीरे धीरे फिर ये सिस्टम चलेगा तो सब कुछ टाइम पे होने लगेगा, राइट? यहाँ पर इंट्रोडक्शन है आपका रोबोट से, और रोबोट का नाम है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू जो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बना है, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज बहुत सारी चीजें मुमकिन हो पाई हैं जो पहले कभी नहीं थी। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज एक इंसान जो है वो फ्री होकर रोबोट से काम करवा रहा है और रोबोट उसके लिए काम कर रहा है, राइट? रोबोट क्यों काम कर रहा है? क्योंकि जो AI टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है कि जो इंसान काम करता है, हर माइक्रो लेवल पे काम किया जा सकता है, जो अब बॉडी से काम करता है, दिमाग से काम करता है, ब्रेन का इस्तेमाल करता है, अब इस AI टेक्नोलॉजी की वजह से वो ब्रेन भी बनाया जा सकता है, उसके फेस पे एक्सप्रेशन दिए जा सकते हैं, उसको सोचने की क्षमता दी जा सकती है। ये सब मुमकिन हो पाया है AI टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट? तो यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन है AI टेक्नोलॉजी रोबोट से, और AI टेक्नोलॉजी का रोबोट ही आपके लिए क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आने वाला वक्त ऐसा होने वाला है कि आपको आपकी हर जरूरत के लिए रोबोट्स बने मिलेंगे। आप घर में किसी काम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी, जैसे आज आप अपनी जरूरत के हिसाब से फोन खरीदते हैं, वैसे ही अपनी जरूरत के हिसाब से आप आगे फ्यूचर में रोबोट्स को भी खरीद पाएंगे। अभी भी आप चाहें तो रोबोट्स बाय कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, बड़ी बड़ी कंपनीज ने रोबोट बनाए हुए हैं, लेकिन जो कॉस्ट है वो शायद बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से अभी आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस चीज को मुमकिन बनाया है रॉयल क्यू ने, आपको एक नॉर्मल बजट में एक अच्छा रोबोट बना के दिया जो आपके लिए काम करता है ट्रेडिंग में। अब यहाँ पर जो ट्रेडिंग में काम कर रहा है, यानी कि उसका एक ब्रेन इस्तेमाल हो रहा है, वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ ये मुमकिन हो पाया है कि जो काम हम करते हैं, हमें एक सिस्टम पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के ट्रेडिंग करनी होती है, वो ट्रेडिंग अब हमारी जगह पे रोबोट कर पाएगा। लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं करेगा जैसे आप देख रहे हैं या सोच रहे हैं कि एक रोबोट बैठा होगा वो हमारी तरह वो कंप्यूटर के पास में, और कंप्यूटर पे वो टाइपिंग वाइपिंग करके कुछ ट्रेड लगाएगा, कुछ ट्रेडिंग लगा करके सेल करेगा, बाय करेगा। ऐसा नहीं है, ये एप्लीकेशन के अंदर इनबिल्ड है और ये वहां से काम करता है। आपको आपकी जरूरत के हिसाब से फ्यूचर में जो रोबोट्स मिलने वाले हैं, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके किचन में अगर रोबोट की जरूरत है तो आप वहां पे भी रोबोट ले सकते हैं। आपको प्ले ग्राउंड में खेलने की जरूरत है, चेस खेलने की जरूरत है, टेबल टेनिस खेलना है, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, किसी भी प्रकार के गेम को खेलने के लिए आप रोबोट का इस्तेमाल अब कर सकते हैं। ये मुमकिन है, पॉसिबल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एक ऐसा इमेज आपको दिख रहा है जहां पर एक रोबोट चेस खेल रहा है। चेस खेलना मतलब बहुत माइंड इस्तेमाल करके इस गेम को खेला जाता है, और ये प्रॉपर जो गेम है वो सिर्फ फिजिक्स का नहीं है, यानी कि आपकी बॉडी का नहीं है, ये पूरा गेम माइंड से खेला जाता है। और यहाँ पर ये रोबोट खेल रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं जो माइंड के अंदर पावर्स होती है वो सब इस रोबोट के पास है, जिसकी वजह से ये गेम को खेल पा रहा है, राइट? जब इसके अंदर इतनी पावर है तो इसको ये भी किया जा सकता था कि इसको ट्रेड में इस्तेमाल किया जा सकता है, और वही किया गया। AI टेक्नोलॉजी ने इस रोबोट को ट्रेडिंग के लिए बनाया, और ट्रेडिंग के लिए बनाने के बाद में इसको इसमें इस्तेमाल किया और यहां से रिजल्ट्स मिले। बहुत सारे लोग जो है रॉयल क्यू तो आपने अभी सुना है, लेकिन रोबोट ऐसा नहीं है कि पहली बार रॉयल क्यू इंट्रोड्यूस कर रहा है। इससे पहले भी बहुत बार रोबोट्स आए हैं जो किसी ना किसी रीजन से फेल हुए और चले गए, लेकिन तब तक ये शायद AI टेक्नोलॉजी नहीं थी। और अब AI टेक्नोलॉजी के साथ आपका ब्लॉकचेन भी है, तो ये दो टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला करके एक पावरफुल चीज बनाई गई है, जिसको
आसानी से ट्रेड करने में बहुत हेल्प मिलती है और बहुत आसानी से ट्रेड करता है। तो ये रोबोट बनाए गए हैं ट्रेडिंग के लिए और ट्रेडिंग में ये आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। तो यहाँ पर आपने रॉयल क्यू को इसीलिए समझना है कि एआई टेक्नोलॉजी तो है ही, साथ साथ ये ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करके आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे लोग जानते हैं अच्छी तरह के, हजारों परसेंट का ग्रोथ देने वाली ये एक अकेली करेंसी है। पहले ट्रेडिंग में दो इंडस्ट्री हुआ करती थी, एक होती थी आपकी फॉरेक्स और दूसरी होती थी स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केटिंग होती थी। इन दो के बाद जो तीसरी जो ट्रेडिंग की सेक्टर पनपा है वो है आपका क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल करेंसी है, यानी कि वर्चुअल करेंसी आप इसे कह सकते हैं, और ये फिजिकल आपके हाथ में नहीं होती है, लेकिन ये भी एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी जो आपसे 10-12 साल पहले एक व्यक्ति की सोच के साथ शुरू हुई और उस टेक्नोलॉजी ने धीरे धीरे अपनी इस लेवल पे अपनी जगह बनाई कि जब शुरुआत हुई थी तो इस टेक्नोलॉजी पे ये बनाए हुए कॉइन यानी बिटकॉइन की कीमत जो 10 रुपए के आसपास थी और आज ये 40 से 50 लाख रुपए हो गई है। तो ये जो पावर है ये टेक्नोलॉजी की वजह से है और ये टेक्नोलॉजी भी इतनी पावरफुल कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति इसको समझ ले तो जिंदगी भर कभी भी बिटकॉइन को खरीद के बेचेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर इसके अंदर क्या रिटर्न मिलने वाले हैं। मार्केट में अप डाउन आते हैं रीजन कि यहाँ पर जब बिटकॉइन है तो बिटकॉइन के साथ दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, इस करेंसी से पैसा निकाल के इसमें डालते हैं, इससे निकाल के इसमें डालेंगे, इससे निकाल के इसमें डालेंगे, कभी डॉलर में, कभी यूरो में, कभी बिटकॉइन में, तो करेंसी में लेन देन करते हैं। उसका रीजन है कि यहाँ पर जब प्रॉफिट आता है तो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसमें ट्रेडिंग होती है और ट्रेडिंग रॉयल क्यू के थ्रू होती है, तो और मैनुअल भी होती है, लेकिन रॉयल क्यू यहाँ पर इन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता है और ट्रेड करके आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। इंडिया में इसके फ्यूचर की बात करें तो बहुत ब्राइट है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट कर रहे हैं, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इसके अंदर इन्वेस्ट भी करते हैं और इसके साथ साथ इसको प्रमोट भी करते हैं। ऐसा बहुत सारे आपके फोन में, आपके टीवी में, आपके कई सारे स्क्रीन में आपने देखा होगा प्रमोशंस और टीवी में एड लगते हैं। लास्ट टाइम मैं एक फ्लाइट के सफर करके आ रहा था तो दिल्ली एयरपोर्ट के जो स्क्रीन लगे हुए हैं उस स्क्रीन में क्रिप्टो करेंसी के एड चल रहे थे और कई सारी करेंसीज वहां पर अक्सर रिफ्लेक्ट होती हैं। आप जो न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज चैनल के बीच में क्रिप्टो करेंसी के एड्स आते हैं, एड दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर आने वाला कल जो है वो इस इंडस्ट्री का, ब्लॉकचेन का, क्रिप्टो करेंसीज का बहुत ब्राइट है। खासकर मैं इंडिया में कहूंगा क्योंकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो यहाँ हर किसी का टारगेट होता है कि वर्ल्ड में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो यहाँ इंडिया में चाहता है कि इंडिया में उसका स्टार्टअप हो, राइट। तो यहाँ पर आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसी का बहुत स्ट्रांग है, जिसके लिए आप अगर क्रिप्टो करेंसी खरीदना और बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी रिकमेंडेशन होती है बाइनेंस। बाइनेंस पे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और आप यहाँ पर एपीआई के थ्रू रॉयल क्यू से कनेक्ट करके आप यहाँ पर इससे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप मैनुअल ट्रेड भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको बाइनेंस देता है और बाइनेंस ही क्यों, क्योंकि बाइनेंस जो है वो वर्ल्ड का नंबर वन एक्सचेंज है। और सिक्योरिटी लेवल की बात करें तो आप ये समझिए कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े बड़े वेल्स हैं, वो सारा अपना ट्रेडिंग का फंड ऑलमोस्ट इसी एक्सचेंज पर रखते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर वो अपने आप को महसूस करते हैं और है भी, इसलिए हमारी रिकमेंडेशन भी आपको बाइनेंस पर अकाउंट बनाकर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी रखने और ट्रेड करने की होती है। आपने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी ली और इसके बाद आप रॉयल क्यू से चाहे तो एपीआई के थ्रू कनेक्ट करके रॉयल क्यू से ट्रेड कर सकते हैं बाइनेंस पर। अब ये रॉयल क्यू क्या है और कैसे ट्रेड करता है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर आप समझिए कि आप हैं और आपके पास में शायद क्रिप्टो करेंसी की या ट्रेडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है। इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। इन दोनों सिचुएशन में ही ये रोबोट आपके लिए काम करता है। ये रोबोट एक एप्लीकेशन की फॉर्म में है जो आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है और इंस्टॉल होने के बाद आपके लिए ये काम करने लगता है किसी भी एक्सचेंज पे जो यहाँ पे दिए गए हैं, बाइनेंस, हुबी ग्लोबल या फिर कॉइनबेस। ये तीन बड़े एक्सचेंज हैं इस टाइम पर क्रिप्टो करेंसीज के। आप तीनों में से किसी पर भी अकाउंट बना सकते हैं और या आपका ऑलरेडी अकाउंट है इनमें से किसी में भी, तो भी आप इस रॉयल क्यू की एप्लीकेशन को बाय करके यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आप अपना पैसा रखते हैं वो कहाँ पर रखते हैं, एक्सचेंज पर। एक्सचेंज पर आपने अपना फंड रखा, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपकी बैंक में ही है, यानी कि क्रिप्टो बैंक आप इससे एक तरह से कह सकते हैं। आपकी पूरी सेविंग्स आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है, जब आपकी जरूरत हो, जब आपको लगता हो, तब आप चाहें तो इसको
निकाल सकते हैं, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आपके फोन पे ओटीपी आएगा और आप वो ओटीपी प्रोवाइड करेंगे और आप इस पैसे को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है, जो रोबोट है, ये भी आपके कंट्रोल में है, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप इस रोबोट को कंट्रोल, जब तक आप इसे कोई कमांड नहीं देंगे तब तक ये काम नहीं करेगा, और जब आप इसे कमांड दे देंगे तो ये आपकी उस कमांड को फॉलो करते हुए रेगुलरली आपके लिए काम करता रहेगा, फिर चाहे आप एक्सपर्ट हो या ना हो, ये अपना काम बहुत आसानी से करता रहता है। तो यहाँ पर आपके हाथ में सारी चीजें, आपका फंड और ये एप्लीकेशन, यानी कि पूरा कंट्रोल इस सिस्टम पे और आपके पैसे पे आप ही का है। यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी हमने आपको बताई है, क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेड होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, ये बहुत जबरदस्त होता है। आप इसे देखेंगे कितने डिजिट्स, 10 डिजिट, 12 डिजिट्स, 14 डिजिट्स तक पहुंच जाता है, यानी कि बिलियंस और ट्रिलियंस में ही चला जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि हजारों लाखों करोड़ों लोग जो पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं और बेचते हैं, उसका इफेक्ट ये मार्केट पर होता है। हजारों लाखों करोड़ों लोग जो क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं और वो खरीदते रहते हैं जब, तो इसका प्राइस जो है बढ़ता जाता है, और फिर यही लोग जब प्रॉफिट आने पे उसे बेचते हैं और बेचते जाते हैं तो इसका प्राइस गिरने लगता है और डाउन आता है। और कई बार क्या होता है कि आप हर सेकंड में इस प्राइस को फ्लक्चुएट होते देख सकते हैं, वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन ये मूवमेंट करता रहता है, क्योंकि मार्केट में सेलर्स और बायर हमेशा मौजूद रहते हैं, खरीदने वाले भी और बेचने वाले भी। बस फर्क इतना है कि जब बेचने वालों की तादाद ज्यादा होती है तो मार्केट नीचे गिरने लगती है, और जब खरीदारों की तादाद ज्यादा होती है तो मार्केट ऊपर उठने लगती है। और यही जो अप डाउन है, इसी अप डाउन से रॉयल क्यू आपके लिए प्रॉफिट बुक करता है। वो किस तरह? जब भी मार्केट नीचे होती है तो ये इसे बाय करता है, और जब ये ऊपर जाती है तो इसको सेल करता है, फिर डाउन आने पे फिर से बाय करेगा और फिर से अप जाने पे सेल करेगा, और इसी अप डाउन से ये प्रॉफिट निकाल के आपको देता रहता है। 24 घंटे ये मार्केट ओपन रहती है और 24 घंटे ही ये रोबोट भी आपके लिए काम करता है। तो हर 24 घंटे में हो सकता है आपको हर सेकंड, हर मिनट या हर घंटे या हर दिन आपको ये प्रॉफिट निकाल के दे। जैसे ही मार्केट मूवमेंट करेगी ये डेफिनेटली आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। आपकी जो ट्रेडिंग है उस ट्रेडिंग का ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी है कि ये जो कंट्रोल हमने आपको बताया कि इस पे आपका कंट्रोल है, वो किस तरह से है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि, या बहुत सारे लोग कुछ लोगों के बहकाए में आकर के ये सोचने लग जाते हैं कि रोबोट है तो अपनी मर्जी से कुछ भी करेंसी खरीद लेगा और हमारा लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि वो खुद सही इन्फॉर्मेशन लेके नहीं बैठा है, तो इसलिए आपको वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर कोई भी करेंसी ये रोबोट खरीदता है तो आपकी परमिशन से ही खरीदता है। जब तक आप इसे नहीं बताएंगे कि किस करेंसी में ट्रेड करना है, ये ट्रेड स्टार्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर करेंसी आपने बतानी है कि BTC में ट्रेड करना है, इथेरियम में ट्रेड करना है, या कोई और ऐसा करेंसी है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी आप इसे चूज करते हैं, करके देते हैं, तभी ये उसको ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है। इसके बाद आप इसे बताते हैं कि कितने फंड से ट्रेड स्टार्ट करना है। तो मिनिमम यहाँ पर आपको $10 तो करने होते हैं, $10 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जितना आप इसे बोलेंगे, 10 के ऊपर 20, 30, 50, 100, ये उतने से ही ट्रेड करेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मार्केट डाउन आने पर कितनी बार और खरीदारी करनी है वो आप इसे बताते हैं, और जितनी बार मार्केट आपने इसको बोला कि 5%, हर बार 5% गिरने पर 5 बार मेरी बाइंग करना, और ये आपकी बाइंग करेगा। आप इसे बोलेंगे $10 तो आपने 1 time बोला और ये $10 की बाय करेगा। 2 time बोलोगे तो $20 की, 3 time बोलोगे तो $30 की। ये जिस तरह भी आप इसको मेंशन करके देंगे ये आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद कितना प्रॉफिट आप यहां से लेना चाहते हैं तो इतना आप इसको बताएंगे और ये आपको देना शुरू कर देगा। इसके बाद आप इसे बताएंगे कि आपकी ट्रेड को सेल कब करना है, और जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन इसको देंगे उस पोजीशन पर आने ही आते ही ये आपकी ट्रेड को सेल कर देगा। तो यहाँ पर जो पूरा कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। आपके बिना किसी कंट्रोल के, आपके बिना किसी आदेश के ये रोबोट काम नहीं करेगा। इसको आपको कमांड्स देनी होंगी। आप सपोज कर दिए आपने इसको एक कमांड दे दी कि मुझे BTC में ट्रेड करना है, मेरे पास $100 है और इस $100 से मैं पहला ट्रेड $10 से करना चाहता हूं। आपने ये कमांड इसको दी और आपने इसको यहां पर बोला कि मुझे 1.2% का प्रॉफिट चाहिए, और 0.2% मार्केट 1.2 के बाद आने के बाद अगर नीचे की तरफ आ जाए तो सेल करके मेरा प्रॉफिट निकाल देना। एग्जांपल के तौर पे आप यहां देख सकते हैं $10 से बाइंग की और आपके बताए हुए मुताबिक 1.2% का प्रॉफिट यहां पर आते ही इसे ये सेल करने के लिए रेडी हो गया, लेकिन सेल नहीं किया, ये वेट कर रहा था कि इस पॉइंट पे आने के बाद, यानी कि आपके टारगेट को टच करने के बाद जब मार्केट 0.2% डाउन होगा तो ये इसको सेल कर देगा।
और यहाँ पर यही हुआ कि मार्केट 0.2% डाउन हुआ। इसने सेल किया और सेल करके प्रॉफिट बुक किया और प्रॉफिट बुक करके आपको आपके एक्सचेंज पे दे दिया। फिर से इसने बाइंग की $10 की और यहां से बाइंग करने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां पर हो सकता है 1.2 की जगह, आपने तो 1.2 फिक्स किया हुआ है उसके बाद बुक हो जाता है, ये हो सकता है इससे ऊपर 5% का प्रॉफिट दे दे। 5% के बाद अगर ये 0.2% नीचे आया तो तब सेल करेगा। 5 की जगह अगर ये 10% ऊपर गया उसके बाद नीचे आया 0.2% तो सेल कर देगा। उसके बाद हो सकता है ये 50% भी चला जाए, 50% के बाद अगर ये नीचे फिर से डाउन होता है तो सेल कर देगा। ये सेल तभी करेगा जब ये वाली कंडीशन पूरी होगी 0.2% या जितना आप इसको बोल देंगे। तो ये क्या करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट को कैप्चर करता है आपके लिए और मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के आपको आपके एक्सचेंज पे देता रहता है रेगुलर बेस पे। कई बार मार्केट हो सकता है यहां जाए फिर नीचे आ जाए फिर यहीं जाए फिर वापस आ जाए फिर जाए फिर वापस आ जाए, तो जितनी बार भी ये इस पॉइंट को हिट करेगा उतनी बार आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, चाहे दिन में 100 बार हो चाहे दिन में 50 बार हो। यहां पर आपने ये समझा। अब इसके बाद समझते हैं कि मार्केट जब डाउन आता है तब इसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है। मार्केट डाउन होने पर इसका एवरेज स्ट्रेटेजी काम करता है और ये एवरेज स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी इस तरह चलती है। आपने यहाँ पर $100 इन्वेस्ट किए, 100 में से $10 का पहला ट्रेड लिया था और इसके बाद आपने इसको बोला था कि मार्केट जब 5% डाउन आएगी तो वन टाइम यानी कि $10 की फिर से बाइंग करना, मार्केट और 5% नीचे आ जाए तो फिर टू टाइम यानी कि $20 की फिर से बाइंग करना है। इसी तरह आपने इसको थर्ड कॉल फोर्थ कॉल फिफ्थ कॉल दे दिया और इसने इसको हिट करना शुरू किया। आपका पहला ट्रेड लिया $10 का, आपके बताए हुए टारगेट पे ये पहुंचा नहीं, मार्केट नीचे आ गया और नीचे आने के बाद 5% इसने फिर से बाइंग की, फिर 5% आने पे $20 की बाइंग की, फिर 5% आने पे फिर पांच। इस तरह इसने आपका पूरा $100 यहाँ पर जो है वो बाय कर लिया $100 का और बाय करने के बाद ये यहाँ पर इसको वेट करेगा कि जैसे ही मार्केट जब इतना नीचे आया है तो थोड़ा बहुत ऊपर तो जाएगा या थोड़े वक्त में ऊपर जाएगा। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा ये आपका एवरेज करेगा और एवरेज के ऊपर इसका प्रॉफिट आपका 1.2% आपने बोला है तो 1.2% का प्रॉफिट आते ही इसको सेल कर देगा, सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन सेल फिर से उसी कंडीशन पे करेगा कि 0.2% उस पॉइंट से वापस आए तो ये फौरन इसको सेल कर देगा। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ के बाद ये 1.2% से ऊपर 5% चला जाएगा तो आपको 5% का प्रॉफिट निकालेगा, 10% ऊपर चला जाएगा तो 10% का प्रॉफिट, 50% ऊपर चला जाएगा तो 50% का प्रॉफिट निकालेगा आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे। तो ये पावर है यहाँ पर इसमें कि एवरेज स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके डिप में मैक्सिमम बाय करता है और बाय करने के बाद ये उसको एवरेज करेगा और एवरेज में जैसे ही प्रॉफिट में आएगा ये फौरन इसको सेल कर देगा। ये स्ट्रेटेजी जो है ये बहुत स्ट्रांग है और इसके साथ साथ एक और स्ट्रेटेजी इसमें इस्तेमाल होती है, ये होती है सब इन मोड स्ट्रेटेजी। सब इन मोड स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है ये भी आप समझेंगे साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $100 थे और आपके 100 के $100 लास्ट वाली ट्रेड में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर खर्च हो गए सारे, अब आगे आपके जो और ट्रेड नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, $100 इसमें आप $20-$30-$40 और बढ़ा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहला ट्रेड आपका लग गया $10 का, फिर $20 का, फिर से आपने यहाँ पर चौथा ट्रेड तीसरा ट्रेड चौथा ट्रेड चारों ट्रेड आपके शुरू के लग जाते हैं। तो चार ट्रेड के लगने के बाद फौरन आप या चार ट्रेड से पहले भी आप सब इन मोड एक ऑप्शन होता है उसको आप ऑन कर देंगे। सब इन मोड एक्टिव करने के बाद आपका क्या होगा, ट्रेड का ये जो चार ट्रेड आपकी एक साथ चली गई हैं इन चारों ट्रेड को वो एक साथ क्लब कर देगा और एक ट्रेड में कंसिडर करेगा। इसके बाद क्या करेगा, अगर चार ट्रेड के बाद फिर से मार्केट और नीचे आता है तो ये पांचवी जो ट्रेड लेगा वो बिल्कुल फ्रेश और नई ट्रेड लेगा और इसके बाद उसी ट्रेड में अगर प्रॉफिट आना शुरू हुआ तो आपको देता रहेगा और अगर यहाँ से प्रॉफिट ज्यादा आया तो ये वापस इस ट्रेड पे आ जाएगा इस वाले सर्कल पर। अगर नीचे ही जाता रहता है मार्केट, सपोज करो चौथी के बाद पांचवी ट्रेड भी लॉस में आ गई तो ये पांचवी को भी साइड करेगा और छठी नई ट्रेड लेगा और नई ट्रेड में ट्रेड करना शुरू कर देगा। ये भी अगर लॉस में आ गई तो एक सातवीं ट्रेड उठाएगा और सातवीं ट्रेड को भी फिर ये ट्रेड करना शुरू कर देगा। इसी तरह आप जिससे चाहे 50 ट्रेड नई भी ट्रेड करवा सकते हैं और इससे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि मार्केट डिप आने पर भी आपको प्रॉफिट देती है। कई बार मार्केट क्या होता है, नीचे डाउन आती है और एक ही जगह पे मूवमेंट करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट यहाँ तक डाउन आई और यहीं पर ऐसे मूवमेंट करने लगी तो आपकी इस वाली इन्वेस्टमेंट से ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सब इन मोड स्ट्रेटेजी है ये इतनी स्ट्रांग है कि आज तक किसी भी सिस्टम में ये स्ट्रेटेजी नहीं मिली है और ये इतनी पावरफुल है कि ये आपको मार्केट डिप आने पर भी प्रॉफिट देती रहती है, यानी कि आपके ट्रेड को
एक ब्लॉक में डालकर नई ट्रेड से प्रॉफिट निकाल के आपको देती रहती है। ये स्ट्रेटेजी इस प्रोजेक्ट की सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। इस पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आप जनरली यहां से बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, राइट। तो ये जो पूरी स्ट्रेटेजीज हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ $120 में मिलती है एक साल के लिए। एक साल तक आप इससे अनलिमिटेड बेनिफिट कमा सकते हैं। और यहाँ पर ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से। ये गूगल प्ले स्टोर की वेरीफाइड प्रोडक्ट है गूगल प्ले स्टोर का, और यहाँ 10 लाख से ज्यादा यानी 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड इसके हो चुके हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा प्रॉफिट ये एप्लीकेशन निकाल के देती है। और यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन भी है कि आप इससे जितना प्रॉफिट अर्न करेंगे उस प्रॉफिट का 20% आपने फ्यूल फीस के रूप में, ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है वो रॉयल क्यू को देना होता है एडवांस के रूप में। तो यहाँ पर आपका 20% डिडक्शन रहता है, जिसका एक और डिस्ट्रीब्यूशन आगे मार्केट में होता है। अब यहाँ पर इसकी अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कैलिफोर्निया से रजिस्टर्ड है यूएसए से, और हेडक्वार्टर है इसका सिंगापुर में। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप ये डॉक्यूमेंट अपने अप्लाइंस से, अपने सीनियर से ले सकते हैं, जहां पर कंपनी के ऑनर का नाम, इसकी डिटेल और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर दो तरह की इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, दो तरह के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट सेल प्रॉफिट, जो हम जनरली किसी भी प्रोडक्ट में देखते हैं। अगर हम कहीं शॉप पे जाते हैं तो वहां पर जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी चाहे टूथपेस्ट खरीदें, साबुन खरीदें, उसके अंदर एक मार्जिन प्रॉफिट होता है जो डायरेक्ट सेल करने पे दुकानदार को मिलता है और कई बार कस्टमर को भी मिलता है। तो ये डायरेक्ट सेल का जो प्रॉफिट है वो शेयर होता है कस्टमर के साथ में, यानी क्लाइंट के साथ में जो भी खरीदारी करता है, और ट्रेडिंग यानी कि जो ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो भी प्रॉफिट के रूप में शेयर किया जाता है। ये दो तरह के प्रॉफिट यहाँ पर शेयर होते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। तो सबसे बात करते हैं डायरेक्ट सेल प्रॉफिट यानी एक्टिव इनकम के बारे में। तो एक प्रोडक्ट जो आपने बाय किया था $120 का, इसमें से $70 यहाँ पर शेयर हो जाते हैं डायरेक्ट सेल करने वाले लोगों के बीच में, और इसके बाद $14 यानी कि यहाँ पर $14 जो है वो एक्स्ट्रा बोनसेस और रिवॉर्ड में चले जाते हैं, $36 जो है वो रॉयल क्यू के पास जाता है ये सर्विसेज आप तक पहुंचाने और इनको मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सामने है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन से एक बेनिफिट आपको मिलता है कि यहाँ पर जो यूजर है, जो इसका जो सेल करने वाला व्यक्ति है, उसको भी बेनिफिट आ रहा है, रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, और जो कंपनी है, जो रॉयल क्यू है, उसको भी एक बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर तीनों लोग, जो भी जो बाय कर रहा है वो भी, जो यूज कर रहा है वो भी, और जो बेच रहा है वो भी, सब बेनिफिट में है, तो कोई भी लॉस में नहीं है। तो सिस्टम कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता, ये बहुत लंबा जा सकता है। अब यहाँ पर समझते हैं जो $70 है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब आप इस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, रोबोट को एक्टिवेट करते हैं, तो आपको एक कोड मिलता है, सेल्स कोड, जो कि आपका रेफरल कोड होता है। उस रेफरल कोड से आप किसी को भी रेफर कर सकते हैं, और आप जितने लोगों को भी रेफर करेंगे, हर किसी से आपको यहाँ पर $30 जो है वो मिलता रहेगा। आप अनलिमिटेड लोगों को यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, जितने आप रेफर करेंगे हर एक रेफरल से आपको $30 की इनकम आनी ही आनी है। और आप जब जितना सेल यहाँ पे करेंगे, रेफर करके सेल करने पर आपकी पोजीशन इंक्रीज होती है। जब आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी यानी कि आप यहाँ पर V2 बन जाएंगे, तो आपको यहाँ पर जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। अब आपको हर एक सेल से यहाँ पर $30 की जगह $40 मिलना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि आपकी टीम V1 है और V1 जो है वो सेल कर रही है यानी कि काम कर रही है, तो उसको मिलते हैं 30, और क्योंकि आप $40 अर्न करते हैं तो जो $10 का डिफरेंशियल है वो आपकी टीम के काम करने पे भी आपको आएगा। आपकी टीम वर्किंग करेगी, जितना सेल करेगी हर एक सेल से $10 आपको मिलता रहेगा। इसी तरह आप फिर V3 बन जाएंगे, और V3 बनने के बाद जो आपका डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट है ये बढ़कर हो जाएगा $50, प्लस जो आपकी टीम है V2 और V1, ये जितना भी डिफरेंशियल इनकम इनसे आएगा वो आपको अलग से मिलेगा। V4 बनने पर आपका डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट बढ़कर हो जाएगा $60, प्लस आपकी टीम है V3, V2 और V1, इनका जो डिफरेंशियल इनकम है वो आपको मिलेगा अलग से। उसके बाद आप बनते हैं V5, और V5 बनने पर जो डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाएगा $65, और आपकी जो टीम है V4, V3, V2 और V1, इनका जो डिफरेंशियल इनकम है वो आपको मिलेगा अलग से। इसके बाद जब आप V6 बनेंगे, तो V6 बनने पर जो आपका डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट है ये आपका बढ़कर हो जाएगा $70, और आपकी जो टीम है V5, V4, V3, V2 और V1, ये लोग जो काम करेंगे, इनका जो डिफरेंशियल इनकम होगा वो आपको मिलेगा डायरेक्ट। ये एक शानदार इनकम आपकी यहाँ से बन जाती है डायरेक्ट से और आपकी टीम वर्किंग से। ये एक्टिव इनकम होती है, और ये एक्टिव होने के साथ साथ यहाँ पर इंस्टेंटली आपके वॉलेट में क्रेडिट होती है, जिसको आप इमीडिएटली इसको निकाल के यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पर भी।
इसके लिए आपको वेट नहीं करना कि आपने 10 लोगों को ये प्रोडक्ट सेल किया, उसका आपको पेमेंट लेने के लिए क्या करना है और कहां जाना है, या आपको चेक का वेट करना है। इंस्टेंट आपके वॉलेट में क्रेडिट होता है जिसको आप इंस्टेंटली विड्रॉ करके अपने अकाउंट में भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि 20% फ्यूल फीस आपको यहाँ पे रॉयल्टी को देना होता है और 80% जो है वो प्योर आपका प्रॉफिट होता है। अब ये 20% से एक और शेयर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है जो कि 12%। ये 12% जो एफिलिएट में चला जाता है वो यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जो 20% से 8% है वो कहाँ जाता है, 4% यहाँ एक्स्ट्रा बोनसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और 4% जाता है रॉयल क्यू के पास ये सर्विसेज आप तक पहुंचाने और इनको मेंटेन करने के लिए। अभी जो 12% है किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है ये आप समझिए। सबसे पहले आप होते हैं जब V1, तो V1 होने पर आप जितने भी लोगों को ये प्रोडक्ट सेल करेंगे और वो लोग जितना भी प्रॉफिट जनरेट करेंगे इस प्रोडक्ट से, जो उनको ट्रेडिंग से प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का 4% आपको भी क्रेडिट होगा और ये बिना किसी कंडीशन के होता है। इसके लिए आपको कोई कंडीशन फॉलो नहीं करनी है, बस आपने जितने लोगों के अकाउंट ओपन कराए हैं उन अकाउंट में जो ट्रेड होगा वो ट्रेड के प्रॉफिट का 4% कंटिन्यूअसली आपको भी क्रेडिट होता रहेगा इंस्टेंटली। इसके बाद आप V2 बनेंगे तो V2 पर ये 4% से बढ़कर हो जाएगा 6%, प्लस जो आपकी टीम काम करेगी उसका 2% आपको डिफरेंशियल अलग से मिलेगा। इसके बाद जब आप V3 बनेंगे तो ये बढ़कर हो जाएगा 8%, प्लस जो आपकी टीम काम करेगी उसका जो डिफरेंशियल होगा वो आपको अलग से मिलेगा। V4 बनने पर ये बढ़कर हो जाएगा 10%, प्लस जो आपकी टीम का डिफरेंशियल होगा वो आपको अलग से मिलेगा। V5 बनने पर ये हो जाएगा 11%, प्लस आपकी टीम का आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट अलग से। और V6 बनने पर ये हो जाएगा 12%, प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट आपको मिलेगा अलग से। तो ये बहुत शानदार पैसिव इनकम बन जाती है कि आने वाले टाइम पे अगर हर एक व्यक्ति ने रॉयल क्यू खरीद लिया तो आगे कोई और खरीदेगा नहीं, तो बेचेंगे कहां पर। और यहां पर अगर कोई नहीं खरीदता है तब भी आपको इस ट्रेडिंग के प्रॉफिट से जो है वो इनकम जनरेट होगी, जो बहुत ही शानदार होती है और रेगुलर रहेगी आपकी इनकम एक बार जो आपने पोजीशन अचीव कर ली। राइट, अब ये पोजीशंस आपको कैसे मिलती हैं, रैंक किस तरह से आपको मिलती हैं। सबसे पहले आप V1 कब बनते हैं, जब आप रजिस्टर करने के बाद अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, तो अकाउंट एक्टिवेशन के फौरन बाद आप बनते हैं यहाँ पर V1। आपको फिर V2 बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है और आपकी टीम टोटल होनी चाहिए 20 लोगों की, तो आप बन जाएंगे यहाँ पर V2। V3 बनने के लिए आपको क्या करना है, 5 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है और आपकी टीम से 3 लोगों को V2 बनाना है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 100 लोगों की, तो आप बन जाएंगे V3। इसके बाद V4 बनने के लिए आपको क्या करना है, 8 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है और आपकी टीम से 3 लोगों को V3 बनाना है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 300 लोगों की, तो आप बन जाते हैं V4। इसके बाद V5 बनना है तो आपको क्या करना है, V5 के लिए आपको 12 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है और आपकी टीम से 3 लोगों को V4 बनाना है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 800 लोगों की, तो आप बन जाते हैं V5। उसके बाद V6 बनने के लिए आपको क्या करना है, V6 के लिए आपको टोटल 20 लोगों को डायरेक्ट करना है, 20 लोगों के बाद आपकी जो टीम है टीम से 3 लोगों को V5 बनाना है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 1500 लोगों की, तो आप बन जाते हैं यहाँ पर V6। ये टारगेट आपके लिए बहुत शॉर्ट है, अगर आप एक बार कोई टारगेट सेट कर लेंगे तो डेफिनेटली इतनी बड़ी टीम बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से टीम बना सकते हैं। और इसके बाद जो आपको इनकम्स आती हैं उसकी अगर हम बात करें तो ये V6 के कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दिन की इनकम V6 पहुंचने पर कितनी होती है, तो यहाँ पर 10-14 की ये कुछ पुरानी है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि $12,190 एक दिन की इनकम है, $11,418 एक दिन की इनकम है, $11,621 एक दिन की इनकम है, 11,700, 12,200, 13,496, 14,000, 15,000। तो दोस्तों ये जो इनकम आप देख रहे हैं ये डिफरेंट है, लेकिन ये अलग अलग इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आपका टीम का साइज होगा वैसे वैसे आपकी इनकम होगी और जैसे जैसे आपकी टीम का इन्वेस्टमेंट होगा वैसे वैसे आपकी इनकम और बढ़ेगी। तो यहाँ पर 8,000-7,000 यानी कि अगर आप ओवरऑल एवरेज लें तो यहाँ मुमकिन है कि आप 10 लाख रुपए पर डे भी कमा सकते हैं, 1 लाख रुपए पर डे भी कमा सकते हैं। ये आपने डिसाइड करना है कि आप कितना कमाना चाहते हैं या कितनी इनकम अपनी बनाना चाहते हैं। जितनी आपको इनकम चाहिए उसके हिसाब से अपनी टीम को मजबूत बना लो, आपकी इनकम डेफिनेटली उतनी महीने की हो जाएगी। ये पॉसिबल है, मुमकिन है सिर्फ रॉयल क्यू में, क्योंकि $120 दे के कोई भी आपको 1 लाख रुपए पर डे की इनकम पर नहीं ले जा सकता। 10 लाख रुपए तक कमाने की यहाँ पर लिबर्टी आपको नहीं मिलेगी और इससे भी ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं अगर आप एक बड़ी टीम बनाते हैं, और जितनी बड़ी आपकी टीम हमने ये कहा कि उतना बड़ा आपका प्रॉफिट। राइट, तो यहाँ पर आप आई होप के इस सिस्टम में जो कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी आपकी रह गई है
तो आप अपने अप्लाइंस से, अपने सीनियर से, आप जिसको यहाँ पर जिसने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है उनसे बात करके आप वो क्लियर कर सकते हैं, या हर रोज हमारी ये जूम मीटिंग जो होती है, इस जूम मीटिंग में आप बैठ करके अपने क्वेश्चंस क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सैटरडे संडे की मीटिंग में आपका कोई और टेक्निकल क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो वो भी यहाँ पर हम आपका क्लियर करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है आपकी तो आप अपने अप्लाइंट के साथ डेफिनेटली इस मीटिंग के बाद बैठिएगा। और अभी बारी है रिजल्ट की, जो प्रोडक्ट आप बाय करेंगे या किसी को सेल करेंगे उस प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है, वो आपको क्या प्रॉफिट देता है, कैसे देता है और कितना देता है, ये आपने अभी देखना है। लाइव अभी आप देखेंगे रिजल्ट, मिस्टर अनिल आपको ये रिजल्ट जो है वो दिखाएंगे। तो अभी बारी है रिजल्ट की, और रिजल्ट देखकर आपने डिसीजन लेना है कि आप इस सिस्टम को क्यों करना चाहते हैं और ये सिस्टम आपको एग्जैक्टली कैसे अर्निंग दे पाएगा। राइट, ऑलराइट गाइस, हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। और अभी बारी है रिजल्ट की, रिजल्ट देखते हैं उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग, थैंक यू सो मच। अनिल जी प्लीज शो अस द रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद विराज भाई, काफी अच्छा प्लान प्रेजेंट था आपका हमेशा की तरह। दोस्तों यहाँ पे प्लान प्रेजेंट में आपने देखा रॉयल क्यू किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, कैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसका कैसे वो वर्क करता है, पूरा यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके और पूरा एक्सप्लेन करके बताया। अब उसके बाद बात करते हैं कि शेयरिंग क्यों करते हैं हम, कि हमने रॉयल क्यू ज्वाइन किया और रोल क्यू ज्वाइन करने के बाद हमें उसका आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, तो वो दिखाते हैं। काफी दोस्त का शेयरिंग होता है यहाँ पे, तो अलग अलग अगर आप भी चाहते हैं, कोई भी जो शेयरिंग करना चाहता है हैंड रेज कर सकता है, खाली शेयरिंग के लिए। क्वेश्चन आंसर अपना सैटरडे संडे होता है, तो जो भी भाई शेयरिंग करना चाहता है कर सकता है। और सबसे पहले है राणा राशिद, राणा भाई आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत ठीक ठाक। आज सर बड़े दिनों बाद आप लोगों ने हमें भी मौका दिया, हमें भी चांस दिया बात करने का सर। जी चांस तो सभी को मिलता है भाई जिसका हैंड रेज हुआ होता है, और कभी कभार ज्यादा हो जाते हैं तो ये होता है कि थोड़ा सा दिक्कत आता है। मेरा तो सर दो महीनों में पहली दफा नंबर लग गया सर। अरे यार भाई लग गया आज। जी जी आज लग गया जी। और सर खैरियत से आप, तबीयत ठीक है आपकी? सब खैरियत से भाई। अच्छा सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने तकरीबन स्टार्ट लिया था 20 नवंबर से सर। क्वेश्चन आंसर सैटरडे संडे भाई, शेयरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा चले ठीक है सर, शेयरिंग तो नहीं है इस वक्त, इस वक्त तो सारा उसमें है अपना माइनस में है मार्केट बहुत ज्यादा। जो अपना क्वेश्चन आंसर होता है वो सैटरडे संडे को हम लेते हैं, फिर सैटरडे आइए आपका पूरा ठीक ठीक थैंक यू। ओके राज, भाई क्वेश्चन आंसर नहीं, जो शेयरिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रंजीत कुमार, रंजीत भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। रंजीत कुमार रंजीत भाई भी नहीं है शायद। हाँ मोहम्मद सफदार, मोहम्मद भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। क्या हाल है सर? ठीक है, खैर खैरियत है सर? सब बढ़िया सब बढ़िया, बताइए। मैं ठीक हूँ सर। अच्छा सर, मैंने 7 तारीख को जो है ना ज्वाइन किया है, 7 दिसंबर को, और 7 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक, ये 17 जनवरी तक, 7 जनवरी से 17 जनवरी तक जो है ना मैंने कमाया तकरीबन $10। उसके बाद एक छोटी सी मुझसे गलती हो गई है। वो छोटी सी गलती ये हो गई है कि मैंने देखा कि जो है ना ये 7-8 इंटियां उठती हैं, उसके बाद फिर ये वापस चला जाता है। तो फिर मैंने जो है ना एकदम जो है ना इथेरियम जो है ना तकरीबन $80 का इकट्ठा खरीद लिया। ओके
उस वजह से जो है ना मेरे फंड जो है ना वो भी ब्लॉक हो गए। और उसके बाद ये है कि मैंने मिराज सर का जो है ना ग्रुप ज्वाइन किया था, मैंने देखना ये था कि मैं जो है ना सिर्फ इथेरियम के लिए ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन उसमें फिर जो है ना मुझे जो ग्रुप में मिला वो IOST मिल गया। IOST में भी जो है ना तकरीबन खरीदारी जो है ना $72 की हो गई, तो ये $72 वो और इथेरियम दोनों जो है ना लॉस में चले गए, जिस वजह से जो है ना इस वक्त मेरे पास फंड्स भी नहीं है। और मतलब ये है कि मेरे पास इस वक्त IOST और इथेरियम ये मौजूद हैं, और जो थोड़े से पैसे थे वो BNB में पड़े हुए हैं। तो अब मतलब ये है कि फंड्स ना होने की वजह से मेरा जो ये जो ट्रेड है वो अब नहीं लग रहा, ये एक छोटी सी गलती हो गई है सर। गलती हो गई है तो सुधारना अपने को पड़ गया ना जी, बिल्कुल है ना जी जी। बहरहाल ये है कि 7 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक जो है ना मुझे रेगुलर प्रॉफिट आया है, और वो प्रॉफिट तकरीबन $10 से ज्यादा हो गया है। $10 से ज्यादा हो गया है। बाकी आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहा, उसमें आपने गलती किया और अपना ट्रेड स्टक कर लिया है। ये नए यूजर के लिए भी है ये चीज कि आप अपना जब ट्रेड लगाते हैं तो एक पोर्टफोलियो सेट करके लगाएं, बार बार उसमें छेड़खानी ना करें, ट्रेड को अपना काम करने दें। आपको सेल्फ सेटिंग आता है तो बेस्ट है, नहीं तो काफी सर्कल है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। मिराज भाई का भी है, मिराज भाई का मैं खुद ज्वाइन किया हुआ हूँ, और डाउन मार्केट में भी एक अच्छा और बेस्ट प्रॉफिट निकाल के देता है, और ट्रेड तकरीबन 50% तक भी एकदम मार्केट डाउन हो जाता है तो रुकता नहीं है। उस स्ट्रेटेजी को आप भी यूज कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखिए। जी जी सर जी। धन्यवाद सर आपका, और आप डेली मीटिंग में आते हैं, शेयरिंग करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयरिंग होती है, जरूरी नहीं आपका प्रॉफिट जिस दिन नहीं आ रहा उस दिन आप बताए नहीं आता है तो ये देखिए कि क्यों नहीं आता है। डेली आता है तो हम दिखाते हैं हमारा प्रॉफिट आया। नहीं आता है उस दिन भी उस पर गौर कीजिए, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, तो आपको प्रोजेक्ट जो बेटर तरीके से समझ में आएगा। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान भाई कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल है? बस बढ़िया सर, आप कैसे हो? सब बिंदास। ओके सर, शेयरिंग करना है? हाँ हाँ, शेयरिंग कीजिए। कर सकते हैं अभी। ओके सर, स्क्रीन आ रहा है सर? 15% में ये हेलो सर आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है। ये चढ़ा सर जी, $126 आपने कमाए। हाँ, $126 हुआ है अभी। क्या फंड नहीं होने की वजह से क्या कभी कभी ट्रेड रुक जाता है, और फिर कोई कोई कॉइन आ जाता है उसमें प्रॉफिट में तो उसमें निकाल देता है। ओके 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 ओके, तो फिर आपका अभी तक का जो एवरेज रहा है, एक रिव्यू रहा है रोल क्यू का आपका, जो आप अपने जो नियर डे रहा है उनका एक साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्या रिव्यू है आपका अभी तक का एनालाइज है रोल क्यू के रिगार्डिंग? हाँ सर, अभी तक को पूरी तरह से मैं जितना भी इसका जो पॉइंट्स है सारा कुछ को देख लिया हूँ और सारा कुछ समझ लिया हूँ सर। इसमें रॉयल क्यू में बस सिर्फ आपको यही करना है कि फंड जो है हमारा है, फंड को मैनेजमेंट करके रखना है। फंड अगर मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर रॉयल क्यू हमको प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। अगर रॉयल क्यू को जितना ज्यादा फंड मिलेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट हमको ये देगा, ये कभी रुक नहीं सकता। 50-60% भी डाउन चला जाएगा मार्केट तो भी हमको ये फंड बस मिलना चाहिए इसको सर। फंड अगर रॉयल क्यू को मिलता रहेगा तो ये ट्रेड करके हमको प्रॉफिट निकालता रहेगा। बिल्कुल सही समझे सर, और अच्छा स्टार्टिंग में
हाँ, स्टार्टिंग में क्या हुआ, इसको रॉयल क्यू के सारे पॉइंट्स को मैं समझा नहीं था, तो ज्यादा कॉइनों में ट्रेड लगा देने की वजह से फंड मेरा ज्यादा कॉइनों में फंसा हुआ है, इसलिए फंड अभी उसको कम मिल पा रहा है रॉयल क्यू को। ओके ओके, सर अभी आपने समझ लिया है और अपने एनालाइज से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो बेस्ट चीज है क्योंकि सीखा है, मेन चीज है कि आपने सीखा है। माधव राठौर जी, माधव जी कैसे हैं? हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार माधव जी, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया सर, आज ले लिया लाइन पे। नहीं सर, लाइन पे नहीं ले लिया, कहाँ ले लिया आपको लाइन? ये लाइन ही थे सर, क्या है भाई, लाइन में तो लगे हुए हम कि भाई अब नंबर आएगा अब आएगा। अच्छा अच्छा, आप को होस्ट है सर, शेयरिंग कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे ना सर। आ रही है सर स्क्रीन? बिल्कुल बिल्कुल। ये है सर राठौर जी, आपका $2-3 है और $6 कल का था, $3-3-2-3-1 मतलब $154 अभी तक आपने कमाया है। और कैसा लग रहा है, अच्छा प्रॉफिट है डेली का? बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है ये, पहली बार कोई समझ में आई कोई चीज। पहली बार कोई चीज समझ में आई है? हाँ, नहीं तो हर बार पैसे डुबाने के ही काम करे हैं मैंने। अच्छा। और राठौर जी यहाँ पे आपका रोल क्यू भी चला गया तो? अरे ऐसा लग तो नहीं रहा है, घर वाले तो यही कह रहे हैं कि पागल के बंदे बन गए। नहीं यार, मैं जो रोज समझ रहा हूँ सभी दोस्त लाइन पे ही हैं। हाँ जी, लेकिन एक एक यहाँ पे बीच में नेगेटिव बात करते हैं। हाँ हाँ, हालांकि काफी दोस्त सोचेंगे कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन सो करते हैं ना, नेगेटिव बात करते हैं। हाँ नहीं, होनी चाहिए नेगेटिव की बात, होनी चाहिए। मान लो यहाँ से चला गया रॉयल क्यू तो? नहीं, जो आप जो सब ये जो अपन आप जो रोज मीटिंग बता रहे हैं और सीख रहे हैं, उससे लगता तो नहीं है कि चला जाएगा। अब चला जाए तो क्या करेंगे, वो जो गया तो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, चला जाएगा तो क्या होगा? वैसे मुझे नहीं लगता जाएगा, क्योंकि जो पैसा है वो अपने खाते में पड़ा हुआ है बाइनेंस पे, बाइनेंस एक बैंक है। ये यही यही बात मैं आपसे सुनना चाहता था। हाँ। कि जो चला गया रॉयल क्यू, पर ज्वाइनिंग से कितना जाता है, उनको ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना जाता है? हम जो रॉयल क्यू को आईडी एक्टिवेट करने के लिए या आईडी अपनी तरफ से आईडी बोलते हैं या सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, उस बेस से खाली $36 जाता है। और खाली $36 लेने के लिए जाएगा तो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जितनी भी ट्रेडिंग जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, उससे इतना बेनिफिट नहीं होता है आपको। अगर आपने देखा होगा तो हमारी जो डेली की ट्रेडिंग होती है, उसकी डेली की ट्रेडिंग से रॉयल क्यू को मेरे हिसाब से कम $1-2 लाख कम से कम डेली जाता है। सही बात। और इतना कम से कम बोला है ये, इतना डॉलर किसी चीज को जाता है। हमारा फंड रखा है बाइनेंस एक्सचेंज पे, और वो हमारे ही फंड को हमारे ही अकाउंट में ट्रेड करके डेली $1-2 लाख कमाता है। तो एक थोड़ा सा लॉजिक समझिए कि क्या हो जाएगा। और अगर जा भी जाता है, नेगेटिव सोच के चलते हैं, चला भी जाता है, तो अपना क्या लेके जाएगा? अपना फंड बाइनेंस पे है। सही काफी नए दोस्त हैं, उनका ये क्लियर करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उनका भी क्लियर हो। सर एक आपका पूछा था, आप जब मार्केट में जाते हैं ना, यार मैंने तो वो कंपनी किया था यार, वो चला गया ये जाएगा तो हम क्या करेंगे? जाएगा भी तो आपका फंड बाइनेंस पे। सही बात है सर। मैं एक ये पूछ रहा था आपसे कि ये सर ज्यादातर टीम सब उस तरफ ही, यूपी वगैरह साइड, हमारे इस तरफ टीम नहीं है इधर रॉयल क्यू वगैरह की? किस साइड? ये एमपी में नीमच। तो फिर आपका गोल्डन चांस है ना, आपकी साइड टीम नहीं है यार, पूरा जगह पूरा मार्केट खाली बड़ा है, बनाओ। पर कैसे क्या समझाए मतलब लोगों को, वो जिसको भी समझाओ बोले यार शेयर बाजार का काम तो यार मैं नहीं करता हूँ, यार शेयर बाजार समझता है इसको। यही चीज आपको समझानी है उनको,
यही चीज आपको समझानी है उनको कि शेयर बाजार नहीं है। नहीं पर समझाए किस तरीके से आप बताओ ना थोड़ा। मीटिंग में लेके आओ अपना, जरूरत नहीं है मीटिंग में लेके समझाने की, हम समझाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके धन्यवाद राजू जी, अच्छा शेयरिंग था आपका और खुश मिजाज आदमी है आप, बात करके अच्छा लगा। आते रहिए मीटिंग में, शेयरिंग करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके थैंक यू। अमीन अमीन भाई ऑप्शन दिया है आपको, हेलो ठीक है सर जी, नमस्कार। नमस्कार, और बताइए सब ठीक ठाक? हाँ जी ठीक ठाक है, आप सुनाइए। बस बढ़िया बिंदास। मैं तो रात को मेरा सबसे अच्छा टाइम रहता है, सबसे बढ़िया, मतलब मैं मीटिंग में 9 बजे ज्वाइन हो जाता हूँ ना, सबसे बेहतरीन टाइम रहता है मेरे पूरे दिन का। सर आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगता है हमारे को, मोहित सर है और आप, बहुत मन करता है आपसे मतलब बातचीत करने का, और काफी कुछ आपसे, क्योंकि मैंने भी बहुत धोखे खाए हैं इस लाइन में। ओके फॉर्म मिला है मेरे को भाई, प्रोजेक्ट ऐसा है तो सीखने को भी मिल रहा है, अर्निंग भी मिल रहा है, साथ में किसी नियर डियर को सिखा भी रहे हैं, उनको भी मिल रहा है। मैंने आज तक मेरे किसी भी प्रोजेक्ट में अपने फैमिली मेंबर को ज्वाइन नहीं किया है। हाँ जी सर, मैंने प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया है। हाँ जी हाँ जी, कुछ ही टाइम बाद मैं अपनी फैमिली से भी आपको कुछ ही दिन बाद इंट्रो करवाऊंगा, जो उनकी मैं कैसे कैसे रनिंग कर रहे हैं। हाँ जी जी जी, तो आप अपना शेयरिंग है आपका 19 तारीख का, आपका 0.4 है, 1.5 है, 0.7 है, 0.5 है, और काफी अच्छा एक रूटीन अच्छा बना हुआ है आपका। हाँ जी हाँ जी, 6 तारीख को बीच में रुका था, बाकी चल रहा है अभी। बढ़िया, अच्छा ये भी देखना है आपको कि रुका किस वजह, ठीक है सर? वो तो मेरा बैलेंस खत्म हो गया था उस टाइम, मार्केट डाउन चली गई थी ना। ओके ओके, उसकी वजह से रुक गया था। सर जी मैं एक क्वेश्चन करना चाहता था आपसे, ये जो जैसे काफी मैंने मतलब उसमें भी था नेटवर्किंग मार्केटिंग में पहले से, मेरे को एक क्वेश्चन किसी ने नहीं बताया, जैसे हम कर रहे हैं इसको, खुदा न खास्ता मतलब किसी की मौत हो जाती है बीच में, तो उसका जो नॉमिनी में नाम नहीं है इसमें किसी का, ये कुछ सिस्टम समझ नहीं आया मेरे को। नॉमिनी क्या होता है, आप एज ए नॉमिनी के तौर पर बाइनेंस में दे सकते हैं, बाइनेंस का आईडी पासवर्ड अपने घर वालों को बता के रख सकते हैं। सर उसका मतलब फैमिली अनपढ़ हो और उसमें ऐसा सिस्टम है कि वो किसी भी के भी खाते में ट्रांसफर ले सकता है बंदा पैसे, आजकल तो परिवार वालों के भी ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, जो क्रिप्टो करेंसी है, हाँ जी, वो इंडिया में एक लीगल टेंडर नहीं है, न लीगल है अभी न इनलीगल है, तो नॉमिनी का कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? पहली बात तो ये। अच्छा जी, आज की डेट में हम क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, अपने ब्याप पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अच्छा जी, अभी तक रूल रेगुलेशन नहीं बना है, सुनने में आ रहा है, जैसा कि मैं डेली अपडेट अपने टेलीग्राम पे जो भी भाई उनको डालता हूँ, उसको रेगुलेट करने की तैयारी चल रही है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से, मैंने बाइनेंस पे भी देखा नहीं है, शायद मेरे हिसाब से होगा नॉमिनी का ऑप्शन बाइनेंस पे होगा, लेकिन श्योर नहीं हूं कि, मैंने चेक नहीं किया है, होगा तो बताऊंगा। लेकिन रॉयल क्यू एक सॉफ्टवेयर है खाली, हाँ जी हाँ जी, वो तो खाली एक सॉफ्टवेयर है जो आपके फंड को बाइनेंस अकाउंट में ट्रेड करके देता है, ठीक है? हाँ जी, वैसे हमारे मेरे जो सांसद है वो अनुराग ठाकुर है, मैंने उनसे भी किसी के थ्रू बात किया था, तो बोला है अभी तक मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं है, इस सेशन में तो पोस्टपोन्ड हो गया वो जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, सेशन में नहीं है, नेक्स्ट सेशन पे बात चली गई है वो। हाँ जी हाँ जी सर, ठीक है, तो अगर हाँ जी हाँ जी, ओके।
थैंक यू अरविंद भाई, आपने उसकी स्क्रीन को स्टॉप करते जाना जाते जाते। नेक्स्ट है अच्छा लाराम सर, सर थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपका नाम थोड़ा अजीब, आप बताइए क्या नाम है आपका? अच्छा लाराम सर, मैंने नाम सही पढ़ा आपका? हाँ जी। अरे सर थोड़ा सा और सर कैसे हैं? अरे सर आपसे तो पहले भी बात हुआ है। कब सर? शायद इस नाम को मैंने पढ़ा है पहले, है ना? या पता नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है स्क्रीन शेयर करेंगे आप? हाँ जी। ओके आपको होस्ट है, स्क्रीन शेयर अभी कर सकते हैं। सर कहाँ से हैं आप? मैं बाड़मेर, अभी बम्बई में हूँ। ओके कब से हैं रोल क्यू में? रोल क्यू में हो गया 10-15 दिन, कोई नहीं कल 2 दिन हुआ लगे ना डॉलर। ओके कोई नहीं, 1 दिन का हो 2 दिन का हो प्रॉफिट आप शेयर कर सकते हैं। प्रॉफिट होता है भाई, 1 दिन का हो, आधा दिन का हो, 2 दिन का हो, 2 महीने का हो, 2 साल का हो। 2 दिन का $5.5 आ गया, $5.5 2 दिन का, 3.8 और 1.6। कितना पोर्टफोलियो है बाइनेंस पर आपका? $250 लगा है 2 दिन हो गया बस। बाकी दो आदमी जोड़े बात। ओके नहीं वो उसका बात जिक्र नहीं कर रहे हैं, नेटवर्किंग का, सेल्फ ट्रेडिंग का शेयरिंग लेते हैं। तो सेल्फ ट्रेडिंग का भी आपका $250 में अच्छा प्रॉफिट आया, $5 2 दिन का, बहुत बढ़िया है। हाँ तकरीबन 450 रुपये आपने 2 दिन में कमा लिए हैं, अच्छा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा है 2 दिन का रोल क्यू? बढ़िया। ऐसे ही भाई एंजॉय कीजिए, और साथ के साथ जो आपका अर्निंग हो रहा है उसके साथ साथ लर्निंग भी स्टार्ट कर दीजिए, तो और मजा आएगा प्रोजेक्ट करने में। हाँ ओके जी, धन्यवाद धन्यवाद भाई आपका, और मीटिंग में आने के लिए। जाते जाते आप अपना शेयरिंग है वो स्टॉप करते जाना। हाँ थैंक यू सर, वेलकम 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 ब्रो। कृष्ण भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी शेयरिंग कीजिए, मैं चाहता हूं जितने भी हैंड रेज है मैं सबका शेयरिंग लूं यहाँ पे। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार कृष्ण भाई, कैसे हैं? मस्त सर, आप सुनाओ। जब बस्त को होस्ट है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सर आज ज्वाइन हुआ है, आज ही ज्वाइन हुए हैं। प्रॉफिट अभी आना स्टार्ट नहीं हुआ है? हाँ हो गया सर, $1 का हो गया आज का। कीजिए ना भाई, 1 दिन का हो चाहे घंटे का हो कर सकते हैं आप। सर इसमें मैं नहीं जानता स्क्रीन शेयर करके किस तरीके से। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं। आप कहाँ से हैं कृष्ण भाई? राजस्थान से सर, भरतपुर से। भरतपुर राजस्थान, बढ़िया। कृष्ण भाई $1 आपको आया, भगवान करे आपके $100 एक दो दिन में कवर हो जाए, और उसके लिए आपको लर्निंग भी साथ के साथ करना पड़ेगा। तो मीटिंग में आते रहिए, लर्निंग करते रहिए, और जिसने आपको इनवाइट किया है मीटिंग में उससे पूछते रहिए मीटिंग के बाद भी जो चीजें आपको समझ में नहीं आती है। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। धन्यवाद कृष्ण भाई आपका, एक एक दिन का, एक ही दिन आपको ज्वाइन हुआ है, अच्छा लगता है यार, एक एक दिन ही ज्वाइन करने किए हो जाते हैं और बात कर हो जाती है उनसे। मुजफ्फरपुर से हैं भाई मृत्युंजय कुमार सर। मृत्युंजय कुमार, बढ़िया सर, कैसे हैं? जय श्री राम सर, बहुत अच्छे हैं। ठंड ज्यादा है। आपका भी शेयरिंग अच्छा रहता है, मिराज भाई का भी काफी अच्छा रहता है। और सर मैं अपना स्क्रीन जो है शेयर कर रहा हूँ, लाइन पे बने रहिएगा। जी हम जो है 20 दिसंबर को ये थी ज्वाइन किए हैं, और लगभग जो है अभी तो मार्केट काफी डाउन है, और डाउन मार्केट में भी जो है अभी कमोटी ये देखिए। अरे वाह, $13
कमाल का प्रॉफिट, ग्यारह जी, 11 है, 5 है नीचे सर, 9 है, 10 है, 11 सर, $27 भी है, $27.49 भी है सर। जबरदस्त जबरदस्त। कितना पोर्टफोलियो आपका? पोर्टफोलियो सर लगभग 7500 के आसपास है। जी जी, कितने कॉइन में ट्रेड लगा है? सर यहाँ देखिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12 से 14 डॉलर है सर। जिसमें हमने एक आठ को जो है वन शॉट भी लगा रखा है, जिसमें आपका सीवा है, मैटी है और ये माना है, ये तीन को जो है हमने वन शॉट कर दिया, क्योंकि इनका काफी जो है रेशियो डाउन है, हमें लगा कि इसको वन शॉट करके जो है एक बार इसको निकाल लिया जाए। ओके ओके ओके, तो आपने सेल्फ स्ट्रेटजी लगा रखा है? सर सेल्फ स्ट्रेटजी अपना नहीं है सर, हमारे जो ऑफलाइन है उज्जवल जी, उज्जवल जी और अमित जी हैं, उन्हीं के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, वो आकर के समय समय पे हमको अपडेट भी कर देते हैं, चेक भी कर लेते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट है। इतना डाउन मार्केट में भी हम आज सब जुड़े हैं कि 20 दिन में हमको क्या आया, लगभग 10% से सर ऊपर है, जो हमको नहीं लगता है कि शायद किसी अच्छे बिजनेस में भी इस तरह का हो सकता है, काफी खुश। बिल्कुल सही समझा आपने और सही बताया। और अपना मेन चीज क्या है सर, हम किसी प्रोजेक्ट में, वो आपको ये बोलता है कि आपको 10% आएगा, लेकिन पहले क्या होता था कि वो हमारा पूरा फंड उस कंपनी के पास होता था जी, हमारा फंड हमें है, क्या टेंशन है? डाउन मार्केट में 10% आ रहा है, डाउन मार्केट में सर 10% है, जब मार्केट इस महीने के लास्ट में या फरवरी स्टार्टिंग में अप होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि 30% से ऊपर जाना चाहिए, कम नहीं, जैसा कि आप लोग बताते हैं। और आने, मैंने मॉर्निंग में भी अपडेट डाला था, आने वाला टाइम अल्ट सेशन का है, तो अल्ट सेशन काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने की उम्मीद है यहाँ पे, लेकिन पोर्टफोलियो को हमेशा मैनेज करके चलिए, भले ही पोर्टफोलियो मेरा जी, क्योंकि मार्केट का कभी पता नहीं होता कब ऊपर चलाया जाए, एकदम से कब डाउन आ जाए, तो पोर्टफोलियो मैनेज करके जरूरी रखना है। भले इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट कितना डाउन जाए, जितना मार्केट डाउन जाएगा और ज्यों अपना शुरू होगा तो फिर पैसा ही पैसा है। पोर्टफोलियो मैनेज करके जरूर चले, 2-3% प्रॉफिट कम आ जाए, डजंट मैटर जी। धन्यवाद मर्जुनी भाई, और आपका अच्छा शेयरिंग था, और ऐसे ही आते रहिए और शेयरिंग अपना है वो करते रहिए। नेक्स्ट है अनिल कुमार साहनी। अनिल भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है आपको, अनिल कुमार साहनी, अनिल भाई शायद नहीं है। कमलेंद्र सिंह, कमलेंद्र सिंह भाई आप अवेलेबल हैं? सर गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर। नमस्कार कमलेंद्र भाई, कैसे हैं? सर फाइन एकदम। बढ़िया, शेयरिंग करेंगे? नहीं सर, मैं कल सुबह ही ज्वाइन हुआ हूं, अभी मैं नेटवर्किंग पे काम कर रहा हूं सर, और ओके टीम बना रहा हूं सर, मैं भी जो मैंने पहली बार, मैंने आज पहली बार इसमें ज्वाइन हुआ हूं मीटिंग में जी जी, 7 आदमियों की टीम बना ली है मैंने आज एक ही दिन में। हाँ सर, अभी 7 आदमी V2 की तैयारी कर रहा हूँ, परसों 21 तारीख को प्लान कर रहा हूँ, 21 को V2 बनना है। अरे ये बात होती है, ये होता है वर्किंग, जबरदस्त करना, तो मतलब करना। हाँ सर कर लेंगे सर। बढ़िया बढ़िया सर, कमलेंद्र भाई आते रहिए और शेयरिंग करते रहिए, और जल्दी हम देखेंगे आपको यहाँ पे V2 होके आप शेयरिंग करें तो हमें भी कुछ ना कुछ और अच्छा लगेगा। राम प्रवेश राय, राम प्रवेश भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है आपको। थैंक यू सर, सॉरी गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग शेयरिंग करेंगे? थोड़ा सा पहली बार है ना, थोड़ा सा जी सर शेयरिंग करूंगा।
ओके कोई नहीं, पहली बार हो कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा देंगे आपका। सर बहुत दिन से कोशिश कर आपसे बात हो, मैं सर पहली बार से बात हुआ है। थैंक यू सर। बात आप आज पहली बार हुई है, अब लगातार होती ही रहेगी। थैंक यू सर। सर मैं शेयरिंग करूंगा आज, मैं करीब 3-4 दिन से मेरा कुछ आ रहा है। कुछ आ रहा है कि डॉलर आ रहा है? डॉलर आ रहा है सर, पूरे डॉलर नहीं आ रहा, आधे डॉलर आ रहा है सर। ओके ओके, जाइए अपना जूम ओपन कीजिए। जी सर। जूम में नीचे ग्रीन कलर का शेयर का बटन है। अच्छा कर दिया आपने तो, आप बोल रहे थे आता नहीं है। नेटवर्क सर, मैं भी जूम पर लेता था सर। ओके बढ़िया सर, मैं काफी दिन से नेटवर्क दूसरे कंपनी में था। ओके उसमें इनकम नहीं था, मैं ज्वाइन किया सर कुछ ही दिन में, ज्वाइन हुआ काफी दिन मुझे हो गया, बट मैं ट्रेडिंग 4-5 दिन पहले लगाया। बढ़िया बढ़िया, रॉयल के ऊपर कीजिए। सर थोड़ा नेटवर्क इशू है सर थोड़ा सा। ये सर बिल्कुल दिख रहा है सर, 19 तारीख को 0.59, 1.17, 0.34, 0.24। बढ़िया सर, आपका प्रॉफिट और डेली आ रहा है। कितना पोर्टफोलियो आपका? जी सर, सर करीब 300। 300 बढ़िया सर है, इस मार्केट में ये प्रॉफिट अच्छा है। जी सर थोड़ा मार्केट थोड़ा डाउन है अभी, इस चीज को मैं समझ सकता हूँ। बढ़िया भाई, आपका शेयरिंग भी अच्छा था, और ऐसे ही मीटिंग में आते रहिए और अपना जो है शेयरिंग करते रहिए, और जाते टाइम एक बार स्क्रीन को स्टॉप जरूर करते जाना। नेक्स्ट लेते हैं सुनील दुखिया। सुनील भाई कैसे हैं? तो जी सुनील भाई कैसे हैं? बस सर जी अच्छे हैं। बढ़िया बढ़िया, शेयरिंग करेंगे सर जी? शेयरिंग तो करनी है, लेकिन वो क्या हुआ है मेरी, अभी इसमें डॉलर तो लगे हुए नहीं है, टीम से आ रहे हैं, टीम से आ रहा है मुझे बेनिफिट नहीं। वो फिर वो तो नेटवर्किंग का हो गया, यहाँ पे सेल्फ ट्रेडिंग की शेयरिंग का करते हैं। बाकी आप दो दिन या कैसे वो कम आ रहे, तो वो क्या हो सकता है उसमें? कोई नहीं, आप दोस्तों को नहीं तो वैसे बता दीजिए कितना प्रॉफिट आपको आया है अभी। सर जी आज तो बिल्कुल कम आया था, आज तो बिल्कुल ही कम आया था। कोई नहीं, कम आया है नहीं, दो दिन हो गए, कल और आज ही कम आया था, परसों आया था। ओके 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 ओके, ये कोई नहीं, आप जो मैं नेटवर्किंग से भी आप कमा रहे हैं, सेल्फ ट्रेडिंग भी स्टार्ट करेंगे तो उससे भी आएगा। हाँ वो तो 2-3 दिन में उसको करूंगा। ओके ओके ओके, धन्यवाद सुनील भाई आपका, और आपने हैंड रेज किया ये बताने के लिए कि आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग आप स्टार्ट करना चाहते हैं। जल्दी ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए और शेयरिंग कीजिए अपने साथ तो अच्छा लगेगा। प्रशांत शर्मा, प्रशांत भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। हेलो जी प्रशांत भाई। जी नमस्ते सर। नमस्कार, शेयरिंग करेंगे? हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, कहाँ से प्रशांत भाई? मैं हूँ आपके मोहित भाई के यहाँ से, गाजियाबाद से। ओके बढ़िया बढ़िया। हाँ जी स्क्रीन, अरे वाह प्रशांत भाई $2। हाँ जी, पहले जो है प्रॉफिट अराउंड इतना आता था, अराउंड $25 के आसपास, बट ये बीच में मैंने बिल्कुल जब बिटकॉइन बिल्कुल टॉप पर जब चल रहा था ना, तब मैंने स्टार्ट किया था।
रॉयल क्यू। मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 5,500 USDT का है, बट कुछ टाइम से प्रॉफिट बहुत लो है ना, ये थोड़ा पूछना था मेरे को, इतना लो हो रहा है और मेरे को शॉर्ट ये जो होता है इन सब चीज के बारे में। चलो आप बैक कीजिए एक बार, कितने कॉइन में आपका ट्रेड लगा है? 15 कॉइन है मेरे, 15 कॉइन में क्यूक्यू सर्कल है। अभी आपका क्यूक्यू सर्कल की स्ट्रेटजी क्या है वो देखना पड़ेगा। एक कॉइन की ट्रेडिंग के लिए कितने डॉलर लेता है ये? फर्स्ट बाय इसका 15 का ही है। नहीं ये तो देख लिया, लेकिन एक डॉलर वो चेक करना पड़ता है कि ये स्ट्रेटजी अपने एक सिंगल कॉइन में कितना वो लेता है। ठीक है, सिंगल इसका 17 है स्टार्टिंग का। फर्स्ट एक कॉइन की ट्रेडिंग के लिए इसका पोर्टफोलियो कितना है? जैसे अभी हम मिराज भाई का करते हैं, उनका $350 एक कॉइन में ट्रेड लगता है। ठीक है, तो उस तरह से इन्होंने मार्जिन कॉल भी कम उठा रखे हैं, और ट्रेड सेटिंग में जाके देखें तो ये मान के चलिए इनका जो परसेंटेज है मार्केट डाउन जाने का परसेंटेज मार्जिन कॉल में कैसे सेट किया हुआ है, वो उन चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका जो मार्केट कितना डाउन जाने पे और हैंडल कर पाता है ये अपने आप को। ठीक है, और 19 मार्जिन कॉल लगाए हैं ये पोर्टफोलियो, आप इसको काउंट करेंगे ना ऊपर से लेके नीचे तक, तो कितना परसेंट मार्केट डाउन आता है उस पर डिपेंड करता है ये। अभी आपका इस मार्केट में प्रॉफिट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्यूक्यू सर्कल वालों ने उस टाइम पे इस पोर्टफोलियो को और अच्छी तरह से सेट किया रहता ना, तो आपको प्रॉफिट और अच्छा आता। ये क्यूक्यू सर्कल अच्छा ही लगा मेरे को। चेंज कर सकते हैं आप इनको वन शॉट करके, तो कोई दूसरा जो अच्छा लगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। वन शॉट का मेरे को आप एक बार बता देंगे कैसे, मतलब कब यूज करना चाहिए और क्या क्या इसके कंडीशन है? अरे भाई आप कब से हैं रोल क्यू में? मेरे को 2 महीने हो गए। कमाल यार, 2 महीने हो गए, अब तक वन शॉट का नहीं सोचा है, कैसे क्या होता है? मतलब वन शॉट का ये है कि पता नहीं इतना अच्छे से, आप एक बार मेरे को बता देंगे। हाँ प्रशांत भाई, इसमें देखिए देखिए आपको इन चीजों का पता नहीं है और फिर भी आपको प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, ये बात तो को रख देते हैं हम एक साइड कि आपको कुछ भी पता नहीं है और रॉयल क्यू आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। ये उन दोस्तों के लिए है जो कुछ भी नहीं जानते हैं, तब भी प्रॉफिट आपको रॉयल क्यू निकाल के दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इन 2 महीने के पीरियड में इन चीजों को जान लेते कि वन शॉट क्या है, मैनुअल सेल क्या है, मैनुअल बाय क्या है, स्टॉप मार्जिन कॉल क्या है, स्ट्रेटेजी मोड क्या है, सबमिट मोड क्या है, ट्रेड सेटिंग को कैसे सेट किया जाता है, तो ये आपका प्रॉफिट यहां से मेरे हिसाब से डबल हुआ होता। हाँ, रॉयल क्यू हमें प्रॉफिट निकाल के देता है अपने वे में, लेकिन अगर हमें इन चीजों को पता है तो हम उसको घुमा सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं वहां से। ठीक है, तो ये जैसे ये कॉइन है GRT, इसका वन शॉट करके कैसे बाहर निकल सकते हैं इससे? मैं आपको कुछ वीडियो डालता हूँ। ठीक है, ओके ओके, अगर हम वन शॉट यूज करते हैं तो फिर प्रॉफिट नहीं आता है, मतलब बस बाहर निकल जाता है। उन वीडियो में वो 7-8 वीडियो, 10-15 वीडियो हैं, उन वीडियो में मैंने रॉयल क्यू की रिगार्डिंग हर एक टॉपिक पे वीडियो बना रखी है। ठीक है, ओके ओके, वो वीडियो देखना, वन शॉट क्या है, कैसे यूज करते हैं, और शायद मैं डालता भी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे नहीं है? हूँ मैं टेलीग्राम पर, उस पे तो यार मैं डालता रहता हूँ, अभी थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ मैं, थोड़ा अब टीम वीम बनानी है। ओके, थोड़ा मतलब आप गाइड करिए कि यूट्यूब पर कैसे आए हैं और कैसे कर रहे हैं यूट्यूब पर। वीडियो डाले हैं अभी, मिल गई होंगी आपको, इनको कॉपी करके और रख लीजिए। ठीक है, कहाँ मिलेंगे ये वीडियोस? आपके जूम में चैट बॉक्स में। अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है, ये सभी वीडियो हैं, इनको सभी को। ओके ठीक है सर, थैंक यू। Thank you.
ये किसका है ये आवाज, आवाज किसका आया है? नेक्स्ट है जितेंद्र कुमार यादव। जितेंद्र भाई एडमिट का ऑप्शन दे दिया है आपको, शायद नहीं है भाई लगता है। जितेंद्र भाई हैं आप अवेलेबल? नहीं है। गौरव, गौरव बाबर, गौरव भाई हैं आप? हेलो जी गौरव, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। आप सुनाओ, ठीक हो? बस बस सब बढ़िया। हाँ जी सर, मैंने एक्चुअली ज्वाइन नहीं किया अभी, ठीक है? ओके। तो मुझे पूछना था रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या रहती है इसमें, मतलब कितना लगाएं कितना मिलता, क्या कैसे सिस्टम होता? आप मीटिंग में थे गौरव भाई? नहीं, मीटिंग में मैं काफी लेट ज्वाइन हुआ एक्चुअली, जब आपका मेरे कल आधे से ज्यादा निकल गया था। ओके, तो अपना डेली होता है, आप कल फिर आके मीटिंग को ज्वाइन करके देख सकते हैं कि कैसे रोड कितना ज्वाइन कर सके, कितना प्रॉफिट आ सकता है, वो आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे जब पूरा मीटिंग को एक्सप्लेन होगा तब। ओके, तो मीटिंग कितने बजे स्टार्ट होती है? 9 बजे, करेक्ट 9 बजे। तो इसका जो मुझे लिंक आज मिला है यही लिंक रहेगा? सेम लिंक रहता है डेली। और अगर आपको रॉयल क्यू की जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसके बारे में अगर जानना है तो ये मैंने जो 10-15 वीडियो दिए हैं हर एक पार्ट पे मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है। ठीक है, ठीक है, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। मीटिंग के बाद एक एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो है। तो प्लान प्रेजेंट तो अपना डेली 9 बजे होता है और उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग मैंने वो वीडियो डाल रखी है, तो काफी कुछ आपको सपोर्ट मिलेगा समझने में। बाकी जिसको आप, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है मीटिंग के बाद, आप उनसे भी डिस्कस कीजिए इसके रिगार्डिंग, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई तो मुझे ये बताइए। ठीक है, तो अभी ये जो चैट में है ये चीज है ना? हाँ, आपके जूम के जो जूम एप्लीकेशन उसके चैट बॉक्स में डालिए। ठीक है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देता रहता हूँ, अगर आप नहीं है तो मैं फिर डाल देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक नहीं है मेरे पास। ये टेलीग्राम का है, इस लिंक में टेलीग्राम का भी है, फेसबुक का भी है और इंस्टाग्राम का भी है। दोस्तों चाहो तो आप भी फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हैं भाई को थोड़ा। फेसबुक का भी है मेरा, उस पर भी, टेलीग्राम का भी है, फेसबुक पेज का भी है, तो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है सर, एक बार मैं गो थ्रू हो जाता हूँ सारी वीडियो से और उनसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं ज्वाइन कर लूँ। हाँ बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके गुरु भाई, रंजीत कुमार, रंजीत भाई कैसे हैं जी? नमस्कार सर। नमस्कार, ठीक है सर, और आप अपना भाई सर? सब मजे में, जबरदस्त रहते हैं, जब तक रोल क्यों है अपना कुछ नहीं होने वाला है। सही बात है सर। स्क्रीन शेयर करूं सर? हाँ एक सेकंड, आज ज्यादा लंबा हो गया नहीं शेयरिंग? जी 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 भाई, कर सकते हैं जी सर। जी सर, शेयर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ये 8 पॉइंट लगा हुआ है सर। ओके, और ये चूंकि
टोटल 6000 का मेरा फंड था। ओके 6000। और जब मार्केट डाउन हुआ था पहले मेरा ठीक आ रहा था, ठीक है सर। और इसके बाद आपका ये इधर फिर 14 तारीख से अब स्टॉप हो गया है, मार्केट डाउन हो गया, थोड़ा सा सब डॉलर अटक गया है। मतलब आपने स्टार्टिंग में एक चीज और स्टार्टिंग में जी जी सेट नहीं, एक्चुअली डाउन हुआ था तो जो मैनुअल बाय किए थे ना सर उसमें मेरा अटक गया। मैनुअल बाय जैसे डाउन हुआ बाय किए फिर मार्केट डाउन हो गया। मैनुअल बाय नहीं करना चाहिए जी जी जी। अगर बाय करना है तो मार्जिन कॉल के थ्रू बाय कीजिए, मार्जिन के अनुसार डाल देते तो ठीक। जी जी सर, आप टेलीग्राम पर जो दिए थे ये इसका क्वान के बारे में कि तो इसका मैसेज में ये नहीं समझ, जो हम लोग का तो यूएसडीटी में सर कोई प्रॉब्लम नहीं है रॉयल क्यू में जो डिलीट करने के लिए टेलीग्राम पे मैसेज दे दिया भाई जी। टेलीग्राम पे कौन सा मैसेज दे दिया, किसके बारे में पूछ रहे हैं आप बताइए। ये पूछना चाह रहे थे सर कि टेलीग्राम पर आपका ये था। अच्छा वो ठीक है ठीक है, देखो वो मैं आपको क्लियर करता हूँ वो क्या अपडेट है भाई, मैं शेयर करता हूँ। देखिए यही ना जी, एक मिनट सर। जी हाँ सर, ये क्या है, बाइनेंस बाइनेंस इन कॉइन को डिलीट कर रहा है, डीजीबी जो बीएनबी पेयर में है, आईओएसटी जो बीएनबी पेयर है, इन पेयर को डिलीट कर रहा है न कि इन कॉइन को। इन कॉइन को डिलीट नहीं कर रहा है, इन पेयर को डिलीट कर रहा है। अच्छा अच्छा, अब आईओएसटी है, काफी दोस्तों ने ये भी पूछा, उसके बाद में मैंने रिप्लाई तो दे दिया था, आपने टेलीग्राम पर रिप्लाई नहीं देखा क्या, जो सेकेंड ऑडियो है मेरी नहीं देखा सर। ये वाली वीडियो मैंने उन रिप्लाई के लिए डाली थी, ठीक है, ये तो अपडेट के लिए थी, लेकिन ये इन्हीं के रिप्लाई की काफी मैसेज आ रहे थे इस अपडेट के रिगार्डिंग कि भाई हमारे पास आईओएसटी है, काफी दोस्तों ने पूछा अनिल भाई हमारे पास तो आईओएसटी है, मेरे पास भी है, लेकिन ये आईओएसटी बीएनबी पेयर को डिलीस्ट कर रहे हैं न कि आईओएसटी यूएसडीटी, अपना तो यूएसडीटी में चलता है ना। जी सर जी सर जी सर, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं एज ए नॉलेज बेस पे डालता हूं कि समझ में आए, आप भी थोड़ा थोड़ा सीखे इन चीजों को। अब इन पेयर को बाइनेंस डिलिस्ट कर रहा है, जीएनबी बीएनबी आईएसटी बीएनबी एनईबीएल ईटीएच एनएमआर बीएनबी और यहाँ पे लिखा हुआ अभी है नीचे, ठीक है जी 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 सर। और ये सर हुबई एक्सचेंज पर ये गाड़ी क्वाइन जो आज लगता है भारत सरकार का है सर जो, नहीं भारत सरकार का नहीं है गाड़ी, गाड़ी भारत सरकार का नहीं है, गाड़ी एक एप्लीकेशन है लाइक जैसे टिकटॉक, सलमान खान ने इसको लॉन्च किया है और उसका रेफरल लिंक नहीं मिलाया क्या आपको, नहीं ध्यान दे पाए मतलब उसके बारे में जानकारी नहीं क्या है समझना चाह रहे थे। देखिए गाड़ी ये चिंगारी एप्लीकेशन है सलमान खान की और इसका टोकन है वो गाड़ी के नाम पर। जी जी वो ज्वाइन करने पर भी देते थे, जैसे मेरे पास ये है ये कॉइन है, इस तरह से वो कॉइन भी देते हैं ज्वाइन करने पे, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये चिंगारी एप्लीकेशन है लाइक जैसे टिकटॉक का था ना वैसे एप्लीकेशन है और उसका एक गाड़ी टोकन है जो लिस्ट हो गया है वहां पे, एक एक्सचेंज पहले हुआ था और अब वो भी पे भी वो लिस्ट हो गया है, होने है पता नहीं हुआ है कि नहीं, एक दो दिन में होने वाला होगा। तो शो कर रहा है सर देखिए, हाँ तो लिस्ट हो गया है क्योंकि एक दो दिन पहले मैंने उसका अपडेट भी डाला था, वो लिस्ट होगा, ठीक है। अच्छा
उसको परचेज करने में बेनिफिट है ना सर गाड़ी को? स्टार्टिंग का वे है आप, मैंने इसको स्टडी नहीं किया है कि किस ब्लॉकचेन पे है इसका टोटल और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। एक देखिए आप किसी भी कॉइन को खाली एक एप्लीकेशन के बतौर नहीं ले सकते कि एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया खाली उस बेस पे आप किसी कॉइन को अच्छा नहीं मान सकते, उसके बैक एंड में जाके पूरा चेक करना पड़ता है उसका डाटा, उसका एक्चुअल प्रोजेक्ट क्या है, किस बेस के लिए किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, किस ब्लॉकचेन पे है वो, उसका मकसद क्या है, पूरा उसको उसको आपका व्हाइट पेपर स्टडी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दो और एक्सचेंज पे लिस्ट करवा दिया होबी पे आ गया तो ये मतलब अच्छा जाएगा इन फ्यूचर, नहीं, उसका पूरा स्टडी करना पड़ता है। गाड़ी से तो बढ़िया बढ़िया इतने कॉइन को आप मैं गिना दूं जो आज की डेट में हिल भी नहीं रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि गाड़ी अच्छा नहीं जा सकता, अगर उसमें दम होगा तो वो जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, लेकिन उसको पूरा स्टडी करना पड़ेगा भाई। लेकिन अपने को जरूरत नहीं है स्टडी करने की, हम बिंदास होके कमा रहे हैं, मार्केट ऊपर जाता है तो कमाते हैं, मार्केट डाउन आता है तो कमाते हैं। अगर अगर गाड़ी में दम होगा ना तो रोइल क्यों अपने को ट्रेड करने के लिए गाड़ी भी देगा। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू, ओके 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 ब्रो। तो दोस्तों काफी टाइम हो गया, मीटिंग को स्टार्ट समाप्त करते हैं यहीं पे और कल मिलते हैं सभी दोस्तों से, जितने भी दोस्त रह गए हैं, कोशिश तो ये कि इसी सबका लेने की कोशिश करें शेयरिंग, लेकिन काफी टाइम हो गया, मिलते हैं कल, फिर हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए रोलक्यू के साथ, अर्निंग को एंजॉय कीजिए, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।